अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था लॉयंस क्लब परिवार द्वारा संस्था के वर्तमान उपाध्यक्ष व सत्र 2022-23 के चयनित अध्यक्ष लॉयन मनोरंजन पाठक के जन्मदिन के उपलक्ष में बीएलपी स्कूल के परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। उपस्थित लॉयंस क्लब छपरा सिटी के सदस्यों ने जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रतीक चिन्ह के रूप में पर्यावरण दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण पौधे भेंट स्वरूप प्रदान किए। आगंतुक लॉयंस सदस्यों का स्वागत विद्यालय के डायरेक्टर नागेंद्र सिंह द्वारा अंगवस्त्र प्रदान कर किया गया। मौके पर मुख्य रूप से लॉयंस क्लब के संस्थापक लॉयन आदित्य अग्रवाल, सत्र 2020-21 के अध्यक्ष लॉयन सोनावाल सिंह, लॉयंस क्लब छपरा सारण के सेक्रेटरी लॉयन नागेंद्र सिंह, लॉयन मुन्ना जी, लॉयन रवि सहित बधाई देने वालों में लॉयन आशीष माहेश्वरी, लॉयन प्रवीण ओबेरॉय, लॉयन शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, लॉयन अरुण पुरोहित, लॉयन सुधाकर प्रसाद, लॉयन अधिवक्ता गंगोत्री प्रसाद, लॉयन संदीप सोनी, लॉयन सरदार राजू सिंह सहित अन्य थे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। उपाध्यक्ष मनोरंजन पाठक जी जो हमारे छपरा के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनके जन्मदिन पर लॉयंस क्लब छपरा सिटी द्वारा एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी इनको वृक्षारोपण करने के बाद इनको बधाई दिए। और ये क्या मैसेज देंगे वृक्षारोपण के माध्यम से? वृक्षारोपण के लिए पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज है, वृक्षारोपण करने से पर्यावरण का वातावरण संतुलित रहता है। आज इतने प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, इससे वृक्षारोपण से हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कायम रहता है। इसलिए वृक्षारोपण करके उन्होंने समाज को ऑक्सीजन लेवल संतुलित करने के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। लॉयंस क्लब परिवार के द्वारा लॉयंस क्लब छपरा सिटी के उपाध्यक्ष लॉयन मनोरंजन पाठक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग बीएलपी पब्लिक स्कूल जो कि रामपुर के समीप स्थित है और इस परिसर में हम लोगों ने आज वृक्षारोपण करने का कार्य किया है। इस मौके पर हमारे लॉयंस क्लब के छपरा सारण के सेक्रेटरी लॉयन नागेंद्र जी जो कि बीएलपी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी और लॉयंस क्लब छपरा सिटी के वर्तमान में अध्यक्ष 2022 के अध्यक्ष लॉयन सोनालाल सिंह जो इस विद्यालय के को डायरेक्टर हैं और मुनाला प्रिंसिपल हैं और लॉयन मनोरंजन पाठक की भी यहाँ उपस्थिति है। हम लोग सबों ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया है। इस माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं कि जो भी अपने सदस्य हैं उनके जो खास लम्हे होते हैं या खास दिन होते हैं, जैसे कि जन्मदिन हो गई या मैरिज एनिवर्सरी हो गई, तो उसको यादगार बनाने के लिए इससे सुनहरा लम्हा और कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर होता है, तो हम लोग अभी कुछ दिन इसी परिसर में हम लोगों ने इन्हीं के एनिवर्सरी पे एक वृक्ष को लगाया था जो कि आज काफी हरा भरा हो गया, जिसको आज हम लोग देख करके काफी आनंदित हुए हैं इस बीएलपी परिसर में। और मैं सबों से ये अनुरोध करूंगा कि आपने कोई भी अच्छे लम्हे हो, ओकेजन हो, उस पर कुछ अच्छे कार्यों के माध्यम से वृक्षारोपण अवश्य करें, क्योंकि तापमान में काफी वृद्धि हो चुकी है और इसका एक मात्र इंतजार है कि हम लोग पर्यावरण को अपना मित्र बना लें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।